नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के साहिबगंज में बकरीद पर्व को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। खबर, झारखंड के साहिबगंज में बकरीद पर्व को लेकर मंगलवार को मुफस्सिल थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गयी, जिसकी अध्यक्षता सदर CO अब्दुल समद ने की। बैठक में थाना क्षेत्र के गणमान्य बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित हुए। इस दौरान शांति व सौहार्द के साथ ईद उल अजहा पर्व मनाने की अपील की गई। वहीं अंचलाधिकारी ने ईदगाह कमेटी से नमाज अदा करने तथा समय सहित अन्य जानकारी ली, साथ ही शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील की। थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश ने कहा कि लोग अफवाह पर ध्यान न दें, साथ ही कहा कि असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। मुफस्सिल थाना प्रभारी ने डायन बिसाही, मॉब लिंचिंग, बाल विवाह, नशा मुक्ति व अन्य मुद्दों पर भी लोगों को जागरूक करते हुए दूसरों को प्रेरित करने की अपील की। मौके पर सदर BDO सुबोध कुमार, प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष प्रोफेसर मोजम मिलहाक, अब्दुल हन्नान, मनोज यादव, सुनील मंडल, बलराम कुमार, फिरासत, अजय यादव, मोहम्मद मुंतशिर, कामरान अहमद, नजरुल इस्लाम, SI प्रणीत पटेल सहित अन्य मौजूद थे। आइए जानते हैं सदर CO अब्दुल समद ने क्या कहा। मिर्जा चौकी राजेश कुमार दास की रिपोर्ट। फसल थाना अंतर्गत आज ईद उल अजहा पर्व बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति के सदस्यों के साथ एक सौहार्दपूर्ण तरीके से बैठक की, बेहतर माहौल में बैठक की। सभी ने आश्वस्त किया कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से ईद उल अजहा का त्यौहार मनाएंगे और कुर्बानी के त्यौहार को मनाएंगे। हमने ये उन्होंने उनसे अपील है सभी शांति समिति के सदस्यों से और सभी त्यौहार मनाने वालों से कि जो कुर्बानी करते हैं उसका फोटोग्राफ आप सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म में ना डालें। दूसरी चीज़, जो कुर्बानी किए गए जानवर का वेस्ट मटेरियल है उस मटेरियल को इधर उधर फेंकने से बचें, इधर उधर ना। ईद उल अजहा की अग्रिम बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं।